अटारी कंस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखे जी हम 3 मरले का घर लेकर आए हैं। डबल स्टोरी है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत बालकनी बनी हुई। ये देखें कितना ज़बरदस्त घर है, डबल स्टोरी और 3 मरले का, तो खूबसूरत फ्रंट और खूबसूरत लुक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत घर। तो ये देखें जी, अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो इसकी लोकेशन है रहमान गार्डन फेस 2 लाहौर। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, एम ब्लॉक नंबर 646। चले जब हम इसके अंदर चलते। ये देखें जी, अब हम घर के अंदर जा रहे हैं। तो ये सीलिंग में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, ये देखें साइड में हमें छोटी सी गली मिलती है। अभी हम अंदर जाने लगे हैं, तो ये हमें इंटरेस्ट में मिल जाता है टीवी लोन। तो टीवी लोन के साथ ही हमें किचन मिलता है। ये देखें काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना गया। तो ये देखें जी, साथ ही हमें विंडो भी मिल जाती है, तो यहाँ से जो भी गैस वगैरह जो होता है इस्तेमाल का वो भी बाहर चला जाता है। ये देखिए सारी तैयार है ज़बरदस्त। तो इसके साथ ये देखिए हमें LCD का जो भी सिस्टम है वो भी यहाँ पे तैयार है। तो अब इसकी छत चेक करते हैं कैसी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें ये भी टीवी लॉन का एरिया है, यहाँ भी खूबसूरत सीलिंग की गई है, तो काफ़ी अच्छा कलर है माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए काफ़ी अच्छी टाइल लगी मौसम। तो इसके साथ ही हमें बेडरूम मिल जाता है, ये देखिए कितनी खूबसूरत दीवार है। इसके साथ ही सीलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, ये देखें ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही हमें एक सेफ अलमारी मिल जाती है, ये देखें जो कि बड़ी और लॉन्ग है। तो इसमें हम अपना सामान कपड़े वगैरह जो वो भी सेफली रख सकते हैं। तो इसके साथ फिर एक हमें वाशरूम मिल जाता है, तो एक विंडो भी है इसमें। सब्सक्राइब। तो घर में कमरे में विंडो होना तो बहुत ज़रूरी है, तो ये विंडो भी है इसमें। ये वॉशरूम है जी बेडरूम के साथ ही, ये देखिए ज़बरदस्त कितनी खूबसूरत टाइल लगी है, ये देखिए। चलिए जब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। ये देखिए खूबसूरत सीढ़ी लगी हुई है, तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लाइटिंग वगैरह भी की गई है। तो ये स्टील फिक्सर भी लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत है। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। तो इसके साथ ही जी हमें एक सामने एक किचन मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो ऐसे ही शेड से बनाया गया, इसे भी रेड जैसे नीचे था। ये 3 मरले में ये घर है, तो इसमें काफ़ी अच्छी सेटिंग की गई है, ये देखें लाइक सब्सक्राइब मी ज़बरदस्त। ये देखें जैक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी माइक्रोवेव मिल जाती है, जो कि किचन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत है, सीलिंग वगैरह। अभी हम इसके साथ एक कमरा मिल जाता है, ये देखें ये इसकी सीलिंग है, तो ये फर्श वगैरह यहाँ पर विंडो भी है, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त काम किया गया। तो यहाँ पे भी हमें LCD मिल जाती है, ये देखें। तो यहाँ पर सीलिंग आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी लाइट और डेकोरेशन का इंतज़ाम किया गया, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही हमें एक बेडरूम मिल जाता है यहाँ पर, ये देखें कैसे कैसे डिज़ाइन बनाया गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे भी हमें एक सेफ अलमारी मिल जाती है इस बेडरूम में भी, ये देखिए काफ़ी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना बेडरूम के। यहाँ पे हम अपना कपड़े वगैरह जो है बहुत ही ईजीली से रख सकते हैं, तो किसी भी परेशानी के बगैर। तो यहाँ पे हमें एक विंडो मिल जाती है, साथ ही हमें वेंटिलेशन है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे कमरे की जो भी हवा वगैरह है आबो हवा वो साथ साथ गुजरती रहेगी। तो इसके साथ हमें वाशरूम मिलता है, देखते हैं जी वाशरूम का, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काफ़ी खूबसूरत टाइल लगाई गई इसमें, यह देखिए ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं जी वुमन साहब से सेकंड पे जा रहे हैं, जी थर्ड फ्लोर पे, यानी कि एक छोटी सी मल्टी सी टैब बनाई गई है। तो इसका ना बहुत ही अहम किरदार है बाहर से, क्योंकि फ्रंट पे जो डिज़ाइन बना गया उसमें ये काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है, तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर ये जो टाइल वगैरह लग चुकी है, अब हम बाहर जाने की को ये देखें यहाँ पे हमें बाहर छत मिल जाती है,
ये तो फ्रंट का डिजाइन है जो बहुत ही खूबसूरत है। हमें यहाँ के अपनी छत भी मिल जाती है ऊपर, तो इसके साथ ही में वॉशरूम भी है। ये देखें जी, ये 3 मरले में इतना ही सेटअप हो सकता है और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।